हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। हम लोग देखेंगे इस स्कीम्स के क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, ये ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए ही ये स्कीम है। अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में इनका बर्थ से 10 इयर्स तक में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। सिंस बर्थ टू 10 इयर्स इसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड इसमें अगर हम लोग डिपॉजिट की बात करें, कितना डिपॉजिट हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो मिनिमम डिपॉजिट जो है वो है आपका 250 रुपीज़ का। मिनिमम डिपॉजिट इन ए ईयर, ये 250 रुपीज़ जो है ये आपका ईयर में है। एक साल में आप मिनिमम 250 रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1,50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 250 आपको मैंडेटरी है, इतना करना ही होगा, और मैक्सिमम हम लोग 1,50,000 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग अकाउंट में इस स्कीम के तहत हम लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ डिपॉजिट की बात करें, कितना नंबर ऑफ़ डिपॉजिट हम लोग इसमें जमा कर सकते हैं, तो मिनिमम डिपॉजिट एक साल में वो एक डिपॉजिट होना मैंडेटरी है, मिनिमम 1 डिपॉजिट होना चाहिए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिपॉजिट की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स की में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट अमाउंट आपका 1,50,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए। अमाउंट आपका मैक्सिमम 1,50,000 ही होगा, बट नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स वो ज़्यादा हो सकते हैं। एंड सुकन्या अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती, इसमें नॉट एप्लीकेबल है, इसमें गार्जियन लिंक किया जाता है। एंड लोन भी नॉट एप्लीकेबल। ये आपका सुकन्या के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग आगे इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है आपका मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1.5 लाख इन ए फिनेंशियल ईयर। आप ये हम लोगों ने डिस्कस देखा कि मिनिमम डिपॉजिट सुकन्या स्कीम के तहत हम लोग मिनिमम 250 रुपीज़ का डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख एक फिनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। और डिपॉजिट जो भी डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट कैन बी मेड इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज़। डिपॉजिट आपका 50 रुपीज़ के मल्टीपल में होना चाहिए। सेकेंड है आपका अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड सी अटेंड द एज ऑफ 10 इयर्स। 10 इयर्स तक की लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड 10 इयर्स तक के गर्ल चाइल्ड का हम लोग सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट है आपका ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, यानी एक गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में एक ही सुकन्या अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में आप एक ही सुकन्या अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका विड्रॉल सेल बी अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ अ हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर टू मीट एजुकेशन एक्सपेंसेस। विड्रॉल एप्लीकेबल है, बट इसमें कंडीशन क्या है, ये वो हायर एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल है, वो अकाउंट होल्डर के हायर एजुकेशन के लिए हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं। हम लोग सुकन्या अकाउंट को प्री मैच्योर भी क्लोज कर सकते हैं उसके 18 इयर्स एज होने पे, उसके मैरिज पर्पस के लिए। द अकाउंट कैन बी क्लोज प्री मैच्योर क्लोज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर हर अटेंडिंग द एज ऑफ 18 इयर्स। उसके 18 इयर्स एज होने के कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसके मैरिज के लिए सुकन्या अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। विड्रॉल इज़ परमिशेबल ओनली आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेंड्स 80 इयर्स। 18 इयर्स होने के बाद ही हम लोग विड्रॉल दे कर सकते हैं, और ऑफ एज 18 इयर्स ऑफ एज और हैज़ पास 10 स्टैंडर्ड, या तो 10 स्टैंडर्ड पास कर लेना चाहिए या फिर उसका 18 इयर्स कम्प्लीट होना चाहिए। इस दोनों में जो अर्लियर होगा उसके बेसिस पे हम लोग उसको विड्रॉल अलाउड कर सकते हैं। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। अकाउंट कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सुकन्या अकाउंट का बेनिफिट हम लोगों को 80C सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी मिलता है। एंड इंटरेस्ट अर्न इन दिस अकाउंट इज़ फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है वो इनकम टैक्स से फ्री होता है, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये आपका सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स तहत के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल एंड लीगल गार्जियन में ओपन 2 अकाउंट्स इन द नेम ऑफ 2 गर्ल चिल्ड्रेन, 3rd अकाउंट इन केस ऑफ ट्विन गर्ल्स एज सेकेंड बर्थ, और इफ फर्स्ट बर्थ इट्सेल्फ रिजल्ट इन 3 गर्ल चिल्ड्रेन।
मतलब कहने का मतलब ये है कि एक फैमिली में हम लोग टू सुकन्या अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट इन केस कभी कभी थर्ड भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, थर्ड अकाउंट इन केस ऑफ ट्विन गर्ल एज सेकेंड बर्थ। अगर सेकेंड बर्थ में अगर ट्विन गर्ल होती है तो वहाँ पे हम लोग तीन सुकन्या अकाउंट उस फैमिली में ओपन कर सकते हैं। या इफ फर्स्ट बर्थ इट्स सेल्फ रिजल्ट इन थ्री गर्ल, अगर फर्स्ट बर्थ में ही अगर थ्री गर्ल चिल्ड्रेन का बर्थ होता है तो वहाँ पे भी हम लोग तीन सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं, अदरवाइज एक फैमिली में टू सुकन्या अकाउंट ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है आपका, डिपॉजिट मे बी मेड इन द अकाउंट टिल द कंप्लीटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। 15 ईयर्स तक इस अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, 15 ईयर्स तक इस अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, जिसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है 21 ईयर्स में फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट। अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 ईयर्स तक में उस अकाउंट का मैच्योरिटी होता है, बट डिपॉजिट आपको 15 ईयर्स तक ही करना है। नेक्स्ट आपका, एन अकाउंट इन विच मिनिमम अमाउंट 250 रुपीज़ हैज़ नॉट बिन डिपॉजिटेड शैल बी कंसिडर्ड एज एन अकाउंट अंडर डिफॉल्ट। अगर किसी इस स्कीम में अगर मिनिमम अमाउंट 250 रुपीज़ वगैरह जमा नहीं किया गया है तो वो डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा, उसे इनएक्टिव अकाउंट बोलेंगे। एन अकाउंट अंडर डिफॉल्ट मे बी रेगुलराइज एनी टाइम टिल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑन पेमेंट ऑफ ए पेनल्टी ऑफ 50 रुपीज़ फॉर ईच ईयर ऑफ डिफॉल्ट अलॉन्ग विद द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफॉल्टेड ईयर। मतलब जितने साल भी हम लोगों ने मतलब 50 रुपीज़ करके हम लोगों को पेनल्टी पे करना पड़ेगा, जितने साल तक हम लोगों ने अकाउंट में डिफॉल्ट किया है, मतलब जितने साल तक उसका मिनिमम पेमेंट नहीं किया है, 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ प्लस उसका एनुअल मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है इतना हम लोग को ईच ईयर डिफॉल्टेड ईयर देना पड़ेगा अकाउंट के 15 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले, तो हम लोग उस अकाउंट को एक्टिव कर पाएंगे। अकाउंट के 15 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले हम लोग डिफॉल्टेड ईयर्स के लिए 50 रुपीज़ पेनल्टी प्लस 250 रुपीज़ मिनिमम मैंडेटरी डिपॉजिट अमाउंट को हम लोग डिपॉजिट करके इस अकाउंट को हम लोग एक्टिव कर सकते हैं। द अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय गार्जियन टिल द अकाउंट होल्डर अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के कम्प्लीट होने तक ये अकाउंट गार्जियन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। द अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय द अकाउंट होल्डर हर सेल्फ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स कम्प्लीट होने के बाद वो अकाउंट होल्डर स्वयं ऑपरेट कर सकती है, उससे पहले वो अकाउंट 18 ईयर्स कम्प्लीट होने से पहले उसका अकाउंट उसके गार्जियन ऑपरेट करते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। प्रीमेच्योर क्लोजर हम लोग अकाउंट की बात करें तो अकाउंट का अगर हम लोग स्टेटस चेंज हो जाता है, इफ़ द अकाउंट होल्डर बिकम्स ए नॉन सिटीजन एंड NRI आफ्टर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट ओपन करने के बाद अगर अकाउंट होल्डर का स्टेटस चेंज होता है, वो नॉन सिटीजन या NRI में चेंज हो जाता है, देन इसे हम लोग प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं एंड कोई भी इंटरेस्ट इसे पेमेंट नहीं होगा। इस अकाउंट को हम लोग अकाउंट होल्डर के स्टेटस चेंज होने से हम लोग अकाउंट का प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। एंड सेकेंड केस है, ऑन द डेट ऑफ अकाउंट होल्डर अकाउंट सेल बी क्लोज इमिडिएटली। अगर अकाउंट होल्डर का डेथ होता है तो वहाँ भी हम लोग इसको प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं। एंड इन दिस केस नो पेनल्टी विल बी इम्पोज फॉर फेलियर टू डिपॉजिट द मिनिमम स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ 250 रुपीज़ इन ए ईयर। एंड उस टाइम पीरियड पे डेथ होने के बाद अगर उस टाइम पीरियड पे कोई भी अगर अमाउंट डिपॉजिट नहीं है तो उस केस में हम लोग कोई पेनल्टी उस पर नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।